हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक वॉरियर्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि NBE की वैकेंसी आ चुकी है और बहुत सारे यहां पर स्टूडेंट हमारे कैंडिडेट जो भी प्यारे प्यारे कैंडिडेट हैं सभी मांग कर रहे हैं, सर नए पैटर्न पर मैथ्स का क्लास लेकर आइए। तो आज मैथ्स का क्लास है दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स में। दोस्तों, पिछले संडे को मैं लाया था एलजेब्रा का बेहतरीन मैराथन पार्ट 1, जिसमें बहुत सारे अच्छे बच्चों का और जो भी था बच्चों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। ठीक है, उस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोगों ने कहा सर ऐसे ही आप वीडियो एलजेब्रा मैराथन का लाइए ताकि हमारा मैराथन की सहायता से एलजेब्रा कंप्लीट हो जाए। तो आज मैं लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूँ एलजेब्रा मैराथन पार्ट 2। आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन, द्विघात समीकरण क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, किसके मूल वास्तविक होते हैं, समान होते हैं, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं, सारी चीजों पर आज हम बात करने वाले हैं इस सेशन में। ठीक है ना, तो उससे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हर संडे को मैराथन क्लासेज यहाँ पर मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम जानेंगे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने क्लास का नाम जान लिया एलजेब्रा मैराथन पार्ट 2। आज है संडे और ये संडे को होता है फंडे, मैराथन पार्ट 2। और आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। टोटल क्लास इसी पर आज डिपेंड हो, बनता कैसे है, अल्फा बीटा का यूज कहाँ करते हैं, टोटल चीजों को हम इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है ना, तो बहुत ही गजब का सेशन होने वाला है आज एलजेब्रा मैराथन पार्ट 2 में। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे बेसिक्स टू एडवांस लेवल चलेगा। आप वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है ना, आधे अधूरे में देखेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, पूरा बेसिक जानिए। सबसे पहले हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण होता क्या है। एग्जाम में दोस्तों द्विघात समीकरण से 4 नंबर 5 नंबर बन जाता है, ठीक है ना, और बच्चे उसको नहीं कर पाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। द्विघात समीकरण हम पहले बता देते हैं आपको, द्विघात समीकरण वह समीकरण है जिस समीकरण के चर की अधिकतम घात 2 होती है। जिस समीकरण के चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण बोलते हैं। जैसे x² + bx + c = 0, यह भी द्विघात समीकरण है और यह भी द्विघात समीकरण है। दोस्तों, यह दोनों का दोनों ही द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। अब सोचेंगे सर यहाँ पे तो अब अधिकतम घात का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे जो x की घात यहाँ पे 1 है, यहाँ x की घात कितनी है दोस्तों 2 है, तो अधिकतम घात 2 है ना, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। यहाँ भी x के साथ अधिकतम घात 2, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे द्विघात समीकरण। लेकिन अगर ऐसे दे दिया दोस्तों तो ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, ध्यान रहे, अगर ये दे दिया तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि अधिकतम घात यहाँ देखिए 1, 1, 2, 3 है, तो ये त्रिघात समीकरण हो गया। सिर्फ आज हम बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन की, ठीक है ना। अब देखिए, तो ये द्विघात समीकरण का रूप होता है। तो अब दो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, एक द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं, मूल कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक क्वेश्चन ही देख लीजिए द्विघात समीकरण का, क्वेश्चन नंबर 25 तक शायद हो गया था, क्वेश्चन नंबर 26 की आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए, अगर आपके सामने कभी आ जाए x² + 6x + 8, ये दो तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, बराबर 0 कह दिया कि इसके मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन दे दिया और आपसे बोल दिया कि इसके मूल ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, मूल। तो उस केस में आप क्या करने वाले हैं, ध्यान से आप देखते रहिए, ये द्विघात समीकरण का बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर दे दिया है x² + 7x + 12 = 0, दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको लास्ट में टफ टफ क्वेश्चन मिलने वाले, ये ना सोचे कि इजी क्वेश्चन है। अब देखिए, यहाँ भी आपको मूल याद करने हैं और यहाँ भी मूल याद करने हैं, ठीक है, दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, लेकिन देखते हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण को सॉल्व करने से पहले दो मूल उसके होते हैं, ठीक है ना, जिसे हम अल्फा बीटा बोलते हैं, अभी उसके आधार पे सवाल आ गया है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको जो यहाँ पे उतार लेते हैं और +8 यहाँ उतार लेते, बराबर 0 आप कर दीजिए, शुरू वाला और लास्ट वाला यहाँ पर उतार लीजिए, उतार लिया आपने, ठीक है, फिर यहाँ प्लस आ रहा तो प्लस का यूज कर दीजिए, फिर लास्ट में अगर x² के पहले कुछ नहीं है तो ठीक है, तो फिर वो भी सवाल बताऊंगा, परेशान ना रहे। यहाँ 8 है ना, गुणा करने पर 8 आ जाए, जोड़ने पर जो बीच में है वो आ जाए, तो दोस्तों गुणा करने पर 8 है, जोड़ने पर 6x आ जाए, तो ऐसा केस हमारे सामने बनेगा 4x + 2x, तभी तो बनेगा, 4x और 2x को जोड़ेंगे
तो यहाँ पर ये 6x हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ माइनस लगा देते 4x में से 2x, तो यहाँ 2x आ जाता, तो इससे मतलब नहीं रह जाता। अब देखिए एक्स स्क्वायर ब्रेकेट से पहले प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। इसको ऐसे खींचेंगे लाइन। अब यहाँ देखिए लाइन की जहाँ x यहाँ भी है, x कम वाला, इसके बाद हम कॉमन लेते हैं, x स्क्वायर यहाँ x है तो x को हमने कॉमन ले लिया, x यहाँ दो बार, यहाँ एक बार बाहर लिया, एक x आ गया प्लस, यह x चूंकि बाहर आ गया है तो यहाँ 4 बचेगा प्लस। अब देखिए यहाँ दो कॉमन लेंगे, दो इस वजह से कॉमन लेंगे, एक ऐसा चीज कॉमन लेते ताकि वो दोनों से कट जाए, दो कॉमन लेंगे तो x बचेगा प्लस, 2 से 8 भाग दिया यहाँ पे 4 बचेगा बराबर 0। अब देखिए दो जगह आ गया ना एक्स प्लस 4, इसको हम एक जगह कर देंगे और यह एक जगह कर देंगे, बराबर हो जाता है 0। अब देखिए तो यहाँ पे अगर एक्स प्लस 4 बराबर 0 है तो एक्स बराबर यह प्लस 4 उधर जाकर माइनस है, तो ये मूल हो गया, ये प्लस 2 उधर जाकर माइनस, तो एक्स बराबर माइनस 2, यानी कि माइनस 4 और माइनस 2 द्विघात समीकरण के दो मूल हो गए, ठीक है ना, ये चीज हो गया। अब आप ये क्वेश्चन नंबर 27 इसको आप लोग इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर उसको बताऊंगा तो फिर अगला क्वेश्चन इसके जगह पे कर दूंगा, ठीक है ना, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। आइए लेते क्वेश्चन नंबर 28, होमवर्क भी बीच बीच में आपको सभी को देते रहूंगा, वो क्वेश्चन आप सभी को करने हैं। क्वेश्चन 28 की बात करते हैं, आप देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसके क्या ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों इसके मूल ज्ञात करने हैं ना, अब देखिए अब उस तरह का सवाल आ गया है कि एक्स स्क्वायर के सामने कुछ ना कुछ रहेगा, तो यहाँ पे दे रखा है 4x² प्लस 8x माइनस 5। अब यहाँ पे इसको करना है तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर इसके सामने कुछ है तो इसका इसका मल्टीप्लाई करा देते, 5 चौका कितना हो जाता है 20, कितना हो जाता है 20। अब देखिए शुरू वाला और लास्ट वाला हमेशा आपको लिखना है, ठीक है ना, ये चीज नहीं, ये चीज गलत, आप ऐसे ही करेंगे, प्लस से प्लस लगा के आप ब्रेकेट लगा लीजिए, यहाँ आपको 8x लाना है। अब देखिए गुणा करने पर तो 5 चौके 20x² हो गया है, कुछ ऐसा सोच लीजिए जोड़ने या घटाने पर 8 आ जाए, तो कैसे करेंगे, 20 गुणा करने पर आए जोड़ने या घटाने पर 8 आ जाए, अगर हम 10x में से 2x घटा देते हैं तो 8x आ जाएगा, ठीक है ना, और 10 दूनी 20 भी हो जाएगा, तो क्या करेंगे 10x - 2x, यहाँ पे ये सिचुएशन बन चुका है, ठीक है ना, क्या सिचुएशन, ये सिचुएशन यहाँ पे बन चुका। अब क्या करने वाले हैं, ब्रेकेट से पहले प्लस है चिन्ह नहीं बदलेगा, 4x² प्लस 10x माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यहां तक हो गया। इसके बाद या तो आप क्या करिए, इजी करना चाहते हैं क्वेश्चन को, 4x² माइनस 2x एक साथ कर लीजिए प्लस 10x माइनस 5 बराबर 0, इसको करने से या कुछ भी नहीं किया, ये पहले कर दिया ये बाद में, इसको करने से फायदा हुआ कॉमन लेने में आसानी होती है, ठीक है ना, कॉमन कैसे लिया जाता है, जो दोनों में मौजूद होता है, देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों में एक्स कम है, एक्स कॉमन लेंगे, कम वाला लेते हैं, 2 से 4 भी कट जाएगा, 2 भी 2x कॉमन मिल गया। अब दोस्तों 2x से 4x² भाग देंगे, 2 दूना 4, 2x आ जाएगा माइनस, 2x टोटल बाहर आ गया तो है 1 बचेगा प्लस, यहाँ पर क्या कॉमन लें कि 5 भी कट जाए 10 भी कट जाए, तो दोस्तों हमें 5 कॉमन ले लीजिए, 5 से 10x में भाग देंगे, 5 दूनी 10x माइनस 5 से 5 1 बचेगा बराबर 0। अब देखिए यह दो जगह जो रहता है ना उसको हम एक जगह कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो 2x - 1 एक जगह आ जाएगा और 2x + 5 एक जगह आ जाएगा, ये किसके बराबर जाएगा दोस्तों 0 के बराबर। अब हमें मूल ज्ञात करने हैं तो पता ही क्या करना होता है, अभी इसको लेकर एक बार 0 करिए, एक बार इसको लेकर 0 करिए, आंसर आ जाएगा, तो क्या करने वाले हैं, 2x - 1 बराबर 0, तो 2x बराबर यह -1 उधर जाकर +1, तो x बराबर 1/2 हो जाएगा, यानी कि 2 इसके बगल में इसके नीचे आ जाता है, एक्स का वैल्यू आ गया 1/2। अब आप इसको लेकर चलिए, यदि 2x + 5 बराबर 0 तो 2x बराबर या +5 उधर जाकर -5, तो एक्स का वैल्यू -5 या 2 इसके बगल में इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि इसके दो मूल हो गए, एक मूल आप सभी के सामने आ गया 1/2 और एक मूल आ गया -5/2। ये था क्वेश्चन नंबर 28। अब द्विघात समीकरण के क्वेश्चंस को तो आप यूज आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना, अब यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चंस में कि मूल वास्तविक कब होते हैं, बराबर कब होते हैं, क्वेश्चन चलता रहेगा, बीच बीच में मैं उसको कंसेप्ट क्लियर करता रहूंगा, ठीक है ना, आप लोग थोड़ा सा भी घबराइए मत, क्वेश्चन चलेगा, कंसेप्ट सारा चीज चलने वाला है यहाँ पे फिलहाल के लिए।
आइए लेते क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 में कह रहा है, यदि समीकरण 2x² - 8x + c = 0 के मूल बराबर हैं तो c का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, कह रहा क्वेश्चन में यहाँ पे कि यदि समीकरण 2x² - 8x + c = 0 है तो c का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, जब कभी भी मूल बराबर होते हैं तो दोस्तों ये फार्मूला बनता है b² = 4ac। क्या बनता है? b² = 4ac। अगर मूल बराबर है तो इस चीज को आप समझ लीजिएगा, अगर मूल बराबर नहीं है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, उसको मैं बताऊंगा, सवाल के माध्यम से ही चलता रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल है सर, एबीसी क्या है? x² के बगल यानी कि x² के गुणांकों को हम a बोलते हैं, बराबर 2 है, बी बराबर जो एक्स के बगल में, एक्स के बगल -8 है ना, तो बी बराबर -8 हो गया। सी बराबर, यहाँ देखिए सी बराबर सी ही दिया है, x² के गुणांकों को ए, एक्स के गुणांकों को बी और लास्ट वाले को सी बोलते हैं, ये चीज आप जान लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अगर मूल बराबर हो तो क्या कंसेप्ट अभी बताया हूं, b² = 4ac। ध्यान से इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, अगर मूल बराबर होते हैं तो आप यूज करेंगे b² = 4ac। क्या यूज करने वाले हैं? b² = 4ac। दोस्तों b की जगह पर है क्या? -8 है ना, तो -8 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 4 गुड़े, a की जगह पर कितना है? 2 है, और c की जगह पर हमारा c है, ठीक है ना। -8 का स्क्वायर करेंगे, -8 - 8, 8 अटेम कितना हो जाता है? 64। कितना हो जाता है? 64। इस हिसाब से -8 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 64, फिर यहाँ पे 4 × 8c, दोस्तों 64 = 8c हो गया ना, तो 8c = 64 है, तो c का जो वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, ऐसे काट दीजिए ना, 8 × 1 = 8, 8 × 64, c का मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, जो कि हमारा हो जाता है करेक्ट आंसर। क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को हर एक संडे को एलजेब्रा का मैराथन क्लास तब तक मिलने वाला जब तक पूरा एलजेब्रा खत्म नहीं हो जाएगा, पूरे यूट्यूब पर इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है ना, गारंटी के साथ हर एक चैप्टर को पूरा डिटेल के साथ क्लियर कर रहा हूं। आइए लेते क्वेश्चन नंबर 30। लाइट में थोड़ा सा इश्यू है दोस्तों, किसी कारणवश थोड़ा सा ऐसे हो रहा है। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है समीकरण 3x² + 2x + 1 = 0 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए, और विविक्तकर को इसमें डिटरमाइनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिटरमाइनर। विविक्तकर ज्ञात कीजिए और उसके मूलों की प्रकृति बताइए, और उसके मूलों की प्रकृति बताइए, और उसके मूलों की प्रकृति बताइए। ध्यान से इस क्वेश्चन को आप सभी यहाँ पर देख लीजिए। कह रहा है समीकरण 3x² + 2x + 1 = 0 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए और उसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। जैसा जैसा क्वेश्चन आता रहा हम उसे कंसेप्ट वाइज चलते रहेंगे। सबसे पहले विविक्तकर क्या होता है पहले तो आप वो जान लीजिए। तो विविक्तकर डी बराबर होता है b² - 4ac, ये विविक्तकर का फार्मूला है। विविक्तकर d बराबर b² - 4ac। b क्या है दोस्तों? a का वैल्यू यहाँ पे 3 है, b का वैल्यू यहाँ कितना जो x के बगल में, और c का वैल्यू लास्ट में 1 है, तो b² मतलब है 2 का स्क्वायर - 4 गुड़े, a की जगह पर 3 और c की जगह पर 1 है बस, तो 2 का स्क्वायर 2 × 4 - 4 = 12। दोस्तों 4 - 12 है ना, 1 माइनस है, इसलिए यहाँ पे हम लगा देंगे -8। कितना लगा देंगे? -8, तो ये कितना हो जाता है? -8 हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन में कर विविक्तकर ज्ञात कीजिए, विविक्तकर तो इसका -8 आ गया, लेकिन कर मूलों की प्रकृति। अब ध्यान से देखिए, चूंकि ये ऋणात्मक है यानी कि निगेटिव है, जब निगेटिव है ना तो मूलों की प्रकृति दोस्तों अधिकल्पित और असमान होती है। ध्यान से इस चीज को समझ लीजिए, अनइक्वल इंग्लिश से बोलेंगे, जब कभी भी विविक्तकर d माइनस आ जाए, ठीक है ना, याद कर लीजिए,
जब कभी भी बी यानी कि डी माइनस में आ जाए तो उसके जो मूल रहेंगे तो मूलों की प्रकृति अधिकल्पित अधिकल्पित रहेगी और असमान रहेगी। क्या रहेगी? असमान। ये दो चीजें होती है यहाँ पे, बस अच्छे तरीके से इतना सा आप थोड़ा सा कंसेप्ट सीख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को लेते हैं। 300 क्वेश्चन कराने का लक्ष्य है दोस्तों, अगर आप सभी का सहयोग रहा, आपने सहयोग किया तो 300 कंप्लीट करा दूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। और ध्यान से देखिएगा, अगर माइनस आ गया तो अधिकल्पित काल्पनिक आप कुछ भी इस तरीके से बोल सकते हैं, माइनस आने का मतलब ये हो गया, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस के यक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है यदि समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस के यक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, ए का वैल्यू कितना है, जो एक्स स्क्वायर के बगल में है वह ए है। यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ भी नहीं है तो यहाँ एक होगा, ठीक है ना, एक कर दिया। बी के जगह पर जो एक्स के साइड में है दोस्तों, एक्स के साइड में के है ना, तो बी का वैल्यू के हो गया। सी बराबर जो लास्ट में अर्थात अच्छा था, सी का वैल्यू 7 हो गया। अब मूल बराबर है तो क्या लगाते हैं, बी स्क्वायर बराबर 4ac। अभी मैंने आपको बताया है कि यदि मूल बराबर होंगे तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4ac हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, बी का वैल्यू कितना के है, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × ए के जगह पर 1 और सी के जगह पर 7 है, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 × 4 = 28 हो जाएगा रूट में, ठीक है ना। सॉरी, के स्क्वायर इज इक्वल टू 7 × 4 = 28, तो के इज इक्वल टू स्क्वायर उधर जाता है रूट में आ जाता है √28। अब दोस्तों या तो इसको आंसर मान लीजिए, ठीक है ना, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, जब भी कोई भी रूट में रहे तो आप ऐसे करके इसको सेट कर लीजिए, ठीक है। पहले 2 से डिवाइड करिए, 2 × 14 = 28, 2 × 7 = 14, 7 × 7 जिसका जिसका जोड़ा बना दोस्तों, पहली बात तो उसको बाहर कर लीजिए, दो दो का जोड़ा बना, दो बाहर आ जाएगा, जो बचा वो रूट में आ जाएगा, 2√7 भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस को ध्यान से देखते रहिए, तभी जाकर आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आइए अब आपको ले चलते हैं मूलों का योगफल और गुणनफल की तरफ, जिसमें हम प्रयोग करने वाले हैं अल्फा और बीटा। जिसमें हम क्या प्रयोग करने वाले हैं दोस्तों, अल्फा और बीटा, आज हम जिसमें यूज करने वाले आज हम उसकी तरफ आपको ले चलते हैं। ध्यान से देखते रहिए कैसे अल्फा और बीटा का यूज करते हैं। क्वेश्चन 32 के माध्यम से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको सिखा दे रहा हूं, ठीक है ना। देखिए जब कोई भी समीकरण होता है ना, यानी कि हमने द्विघात समीकरण ले लिया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या ले लिया, 0 ले लिया। तो दोस्तों हमेशा द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं, ठीक है ना। द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं, दो मूल होते हैं। तो एक मूल को जो पहला मूल होता है उसको हम मानते हैं अल्फा, पहला मूल किस क्या मानते हैं अल्फा, और दूसरा मूल हम मानते हैं बीटा, दूसरा मूल क्या मानते हैं बीटा। यानी कि पहले मूल को हम मानते हैं अल्फा और दूसरे मूल को हम मानते हैं बीटा, ये ध्यान से समझ लीजिए। तो यहाँ पे एक फार्मूला बनता है मूलों का योगफल, क्या बनता है, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल यहाँ पर होता है अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है दोस्तों -b/e। इस चीज को याद कर लीजिए क्योंकि आगे बहुत काम में आने वाला है। ये वीडियो क्लास 10th के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर दिया हुआ है। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया है, -b/a होता है, यानी कि जो उनका एड होता है। इसके बेस पे क्वेश्चन ज्यादा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अल्फा बीटा कितना हो जाता है दोस्तों, यानी कि जो गुणनफल होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि c/a। यानी कि एक फार्मूला आपको मिला अल्फा प्लस बीटा -b/a, और एक फार्मूला आपका मिला अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अब जाकर आप सभी के समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए सवाल उम्मीद है कि आ चुका है, आइए लेते हैं क्वेश्चन। अब इसके आधार पे क्वेश्चन 32 की तरफ, ठीक है ना। आराम से आप देखते रहिए, क्वेश्चन में मजा आता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है यहाँ पे, समीकरण
थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो के मूलों का योगफल है, मूलों का योगफल है। यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है कि समीकरण तीन एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स प्लस दो बराबर जीरो के मूलों का योगफल कितना हो रहा है, ये है आपके अभी के क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, जो इसके मूलों का योगफल होता है ना, तो अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, ठीक है ना। अल्फा मूलों का योगफल मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा, तो अल्फा का वैल्यू कितना दोस्तों, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई होता है ना, यही तो होता है माइनस बी बाई है ना। तो b के जगह पे देखिए, a के जगह पे जो x स्क्वायर के बगल में, तो ये कहलाता है a बराबर तीन है, b बराबर यहाँ पे माइनस पांच है और c बराबर दो है, ठीक है ना। माइनस b बाई है, तो माइनस b के जगह पर माइनस पांच और a के जगह पर तीन है। अब देखिए माइनस और माइनस का हो जाता है प्लस, पांच बटे तीन हो जाएगा। आराम से जब योगफल पूछे ना, तो अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पे यूज आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके भी अल्फा प्लस बीटा बहुत सारा यूज करवाएगा दोस्तों क्वेश्चंस में। अभी इजी इजी क्वेश्चन चल रहे हैं ना, धीरे धीरे टफ लेवल्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिए आप लोग, ठीक है ना, हरासमेंट पे मत रहिए। वीडियो को आप सभी क्या करिए, लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा आप देखिए क्वेश्चन हमारे सामने अगला है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण दो एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस पांच बराबर जीरो के मूल हो, तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, फुल हिसाब इसका वैल्यू ज्ञात करना, मेन बात यह, ठीक है ना। तो दोस्तों जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाए, अल्फा स्क्वायर बीटा बीटा स्क्वायर कुछ भी इस तरह का है ना, तो सबसे पहला आपका कर्तव्य है कि आप अल्फा प्लस बीटा निकालिए और अल्फा बीटा निकालिए, ये दो चीज पहले निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ ए बराबर देखिए, जो एक्स स्क्वायर के बगल में अगले और दो, बी बराबर माइनस तीन और सी बराबर जो लास्ट में दी वो पांच है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो अल्फा प्लस बीटा हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा का दोस्तों वैल्यू माइनस बी बाई ए होता है। तो बी की जगह माइनस तीन, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तीन बटे दो, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा तीन बटा दो, और अल्फा बीटा कितना हो जाता है सी बाई ए होता है, सी के जगह पर पांच है और ए के जगह पर दो है, सी के जगह यानी कि अल्फा बीटा हो गया है पांच बटा दो। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसकी तरफ पढ़िए, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या रहा है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्या, यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा, और तो कुछ पूछा नहीं है दूसरा। तो आपको क्या करना पता है, इसका जो मैलूद पता है नहीं, अल्फा बीटा यहाँ भी अवेलेबल है, अल्फा बीटा यहाँ भी, तो अल्फा बीटा आप कॉमन कर लीजिए, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा जो कॉमन कर देंगे, अल्फा यहाँ दो बार है, एक बार बाहर आ गया, एक अल्फा यहाँ बचा, बीटा टोटल तो बाहर आ गया, तो कुछ नहीं बचेगा, प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, बीटा बाहर आ गया तो यहाँ अल्फा बचेगा बस। दोस्तों यहाँ पे दो बीटा था ना, एक बीटा है, तो यहाँ पे एक बीटा बचेगा बस। आंसर आप सभी के सामने, अल्फा बीटा का वैल्यू फाइव बाई टू है, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ साइन है तो इनटू का साइन, अल्फा प्लस बीटा दे रखा थ्री बाई टू, तो कितना हो जाएगा, फाइव थ्री जा फिफ्टीन और नीचे टू टू जा फोर, फिफ्टीन बाई फोर हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। अब बताइए समझ में आया या नहीं आया, इस तरीके से क्वेश्चन को जब तोड़ेंगे नहीं तो जोड़ेंगे नहीं तब क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं किया है। आइए रहते क्वेश्चन नंबर 34, मैराथन क्लास के माध्यम से आपके कोर्स को कम्प्लीट कराया जा रहा है। क्वेश्चन 34 कह रहा है, अब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आप सभी के सामने आता तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए नहीं तो एक सवाल और मैं आप सभी को बता दे रहा हूं, देखिए ध्यान से। कह रहा अगला सवाल, क्वेश्चन 34, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स प्लस बारह बराबर जीरो के मूलों के व्युत क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए।
ये है आप सभी के सामने क्वेश्चन, वित्त क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से इस बात को पहले गौर करिए, ठीक है ना, वित्त के मूलों के वित्त क्रमों का योगफल, अभी उसको बता रहा हूँ। तो इसके दो मूल अल्फा प्लस बीटा होते हो तो आप जानते हैं ए बराबर यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर, के बगल में कुछ नहीं एक है, बी बराबर माइनस सात और सी बराबर कितना है बारह है, ठीक है ना। यह ए बी सी हमने सेट कर दी। अब देखिए ध्यान से, अब कह रहा इसके दो मूल अल्फा प्लस बीटा तो होते हैं, माना माना दो मूल अल्फा बीटा है, ठीक है ना, दो मूल क्या होगा अल्फा बीटा दो मूल होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाता है माइनस बी बाई ए होता है, बी के जगह माइनस सात और ए के जगह एक है, सात माइनस सात बटे मतलब माइनस सात हो गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस सात। दोस्तों अल्फा बीटा क्या होता है सी बाई ए, सी का मतलब है बारह, ए का मान बारह बटे मतलब बारह, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमको मिल गया माइनस सात और अल्फा बीटा मिल गया बारह। क्वेश्चन में पूछ रहा कि मूलों के वित्त क्रमों का योगफल, यानी कि मूल अल्फा बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा पूछता तो समझ में आता, मूलों के वित्त क्रमों का योगफल यानी कि उल्टा, यानी कि एक बटा अल्फा प्लस एक बटे बीटा ये पूछ रहा है, ठीक है ना। अब तिरिया गुणा कर अल्फा का एक में अल्फा, बीटा का एक में बीटा और अल्फा बीटा का अल्फा बीटा। अब वैल्यू रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा है माइनस सात और अल्फा बीटा है बारह, माइनस सात बटे बारह। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाते हैं ना, तो आपको सबसे पहले ए बी सी करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना, उसके मूलों को अल्फा बीटा मानना है, फिर अल्फा प्लस बीटा कर देना है, और अल्फा बीटा करके जो भी क्वेश्चन है पूछ रहा है ना उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। अब बताइए वीडियो अच्छी लग रही है ना, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को क्लियर कर रहे होंगे। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 कह रहा, अब यहाँ पे दोस्तों समीकरण, क्वेश्चन में कह रहा समीकरण 2x² माइनस 3x+7 बराबर 0 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है ना, कि मूलों का योगफल अभी बता रहे हैं, मूलों का अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा लगा तो बता दिए, माइनस बी बाई ए, बी के जगह माइनस तीन है ना, तो माइनस तीन यहाँ माइनस 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 प्लस, तीन बटे ए के जगह पर दो है तो तीन बटे दो हो गया, अल्फा गुणनफल पूछ अल्फा बीटा सी बाई ए, सी की जगह पर सात ए की जगह पर दो। यार जब योगफल और गुणनफल पूछे तो आपको ऐसे करना है, ठीक है ना, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको ले चलते हैं बीजगणित के नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, ठीक है ना, एलजेब्रा के नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ आते हैं, जिसमें पूछता आप एलजेब्रिक इक्वेशन बनाइए यानी कि द्विघात समीकरण बनाइए, ठीक है ना। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण बनाते कैसे, ध्यान से देख लीजिए, ये है द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण बनाने का दोस्तों सूत्र, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू जीरो, ये चीज यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना, द्विघात समीकरण बनाने का जो सूत्र है ना ये दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू जीरो, ये चीज ध्यान से देखिए आपके सामने चीज दे रखा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि सर यहाँ पे तो द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र तो दे दिया लेकिन हमने क्वेश्चन नहीं दिया, तो चलिए क्वेश्चन आपको दे देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन चलिए यहां लिख देते हैं, द्विघात समीकरण बनाइए, द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूल माइनस पांच तथा छह हो, द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूल माइनस पांच तथा छह हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन को करना कैसे है,
सबसे पहले तो आप सभी ये बताइए क्वेश्चन को करना कैसे, अगर आप इसको जान कर ये विद्या तो फिर मजा आ जाए। द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूल -5 तथा 6 हो। तो हमने तो फार्मूला रख दिया ना, फार्मूला रख दिया ना, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। अब रख दिया है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मतलब होता है इसको इसको जोड़ लीजिए, ठीक है, -5 + 6 इंटू एक्स, और गुणनफल करना तो इसका इसका गुणा कर लीजिए, -5 × 6 = 0 हो गया ना। अब देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस -5 + 6, अगर एक माइनस होता है तो घटा देते हैं, ध्यान से समझ लीजिए, एक माइनस होता तो घटा देंगे, 6 × 5 = 1 एक एक्स बचेगा, तो एक एक्स तो लिख एक नहीं लिखते, ऐसे कर दिया। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस, 6 × 5 = 30 बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 बराबर 0, ये हो जाता है हमारे पास करेक्ट आंसर, ये क्या हो जाता है करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमारा हमारा जो बनता है ना, उस तरीके से द्विघात समीकरण बनता है, क्या बनता है द्विघात समीकरण बनता है। और ये एक और क्वेश्चन भी इसी पर लेते हैं, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन 37 इसी पर भी ये क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ कह रहा है द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूल करणी में 2, 2 करणी में 2 है, ठीक है ना, द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूल करणी में 2 और 2 करणी में 2 है, ध्यान से देख लीजिए। आपको जो अगला चैप्टर मिलने वाला है वो इक्वेशन समीकरण को कैसे सॉल्व करा, टफ टफ समीकरण को इजी वे से, उस पर मेरा नेक्स्ट मैराथन संडे का आप सभी वेट जरूर करिएगा, ठीक है, वीडियो को शेयर करने में कंजूसी मत करिए। तो अगर हम क्वेश्चन 37 लेते हैं, कह रहा है द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूल करणी में 2 और 2 करणी में 2 हो, तो क्या करते हैं सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मतलब इसको इसको जोड़ लीजिए, करणी में 2 + 2 करणी में 2 इंटू एक्स, ये कर दिया, और मूलों का गुणनफल मतलब इसका इसका गुणा कर दीजिए, बराबर 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कर दिया इंटू एफ कर दिया और मूलों का गुणनफल कर दिया बराबर 0 कर दिया। अब ध्यान दिए ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो एक्स स्क्वायर है माइनस, दोस्तों अगर यहाँ पे करणी में 2 लिखा है तो यहाँ लीजिए 1 करणी में 2 लिखा है, 1 करणी में 2 यहाँ, 2 करणी में 2 यहाँ, 2 और 1 मिलकर कितना रहता है 3 करणी में 2 इंटू एक्स, यही तो हो गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस करणी में 2 यहाँ, 2 करणी में 2 और 1 मिलकर कितना हो जाता है 3 करणी में 2 इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणा कर लीजिए। अब देखिए यहाँ 2 है ना, फिर करणी में 2 और करणी में 2 का यहाँ पे कर लीजिए गुणा, तो कितना हो जाएगा 2 × करणी में 2 और करणी में 2 का गुणा कर देंगे तो दोस्त यहाँ पे 2 बन जाएगा, तो 2 × 2 कितना हो जाता है 4, कितना हो जाता है 4 बराबर हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 करणी में 2 इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 0, और इस तरीके से आपका ये हो जाता है करेक्ट आंसर, क्या हो जाता है करेक्ट आंसर। अब बताइए वीडियो कैसा लगा, सेशन कैसा लगा ये, ठीक है ना, आप सभी को जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी के सामने एलजेब्रा के सभी आप सभी सॉल्व कर लीजिए, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर लिंक हो जाए, ठीक है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर आप सभी वहाँ पे पीडीएफ और वगैरह का फायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी, देखिए पसीना पसीना हो गया है लगभग दिख रहा होगा, तो आप सभी लॉकडाउन 4.0 में आराम से रहिए, घर पर रहिए, और सबके लिए दुआओं की दुआएं करते रहिए, ठीक है ना। तो बस महाकाल का नाम लीजिए, सरस्वती माता का नाम लीजिए, जय माँ सरस्वती, और वीडियो को एंड करते हैं, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले, थैंक्स फॉर वॉचिंग।